Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I'm going to start Peter Tube, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये भी चैप्टर का एक टॉपिक है क्योंकि ये आपको फ्लाइट घुमा देगा, मतलब जो फ्लाइट पे घूमते हो आप, ये बहुत मायने रखता है हमारा. तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो लाइफ के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट है. क्यों लगा होता है ये, हमारी फ्लाइट्स पे क्यों लगा होता है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ़्लाइट क्यों दिखा दी मैम ने, घुमाने तो नहीं लेके जा रहे, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो चलो आपको घर से उठा के लेके आएंगे पढ़ाने. तो ये हमारी जो हमारी यहाँ पे एक ट्यूब लगी होगी आगे, जो फ्लाइट्स के आगे लगी होती है, तो इसका मतलब मेन मोटिव होता है जो हमारी स्पीड है, जो हमारी फ़्लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी हेड है, उसको पता करना. ठीक है, उसका देखना, चेक करना उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है, तो वही हम इसको यूज़ करते हैं. इसको दूसरी अगर आपको शेप दिखा दूँ तो ये हमारी इधर वाली, जैसे ये टर्न की है, ये आगे लगी हुई है हमारी फ़्लाइट के, मतलब ये आगे वाला साइड है हमारी फ़्लाइट की, ऐसे आगे लगी होती है. ये क्या करती है, हमें वेलोसिटी हेड का पता बताती है. ठीक है, वहाँ पे मेज़रमेंट करने के लिए हमें पता चलता है हमारी कितनी स्पीड जो है, एक पर्टिकुलर चेक करनी होगी वहाँ एरिया पे कितनी स्पीड है, तो वो हमें पता चल जाती है. यहाँ पे इतनी स्पीड है, वहाँ पे इतनी स्पीड है, तो वो हमारी ये मेज़र रोल प्ले करती है वहाँ पे. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टॉपिक, जो कि पीटर ट्यूब का प्रिंसिपल क्या है. हम जैसे कि बहुत पहले डायग्राम समझा दूं आपको, क्योंकि इजी हो जाएगा आपके लिए. यहाँ पे आपको पता है ना, डाउनस्ट्रीम होता है, यहाँ पे अपस्ट्रीम होता है. अगर मैं नहीं भी बनाती तो आप समझ तो पाओगे, यहाँ पे अपस्ट्रीम होता है. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक यहाँ ट्यूब लगी है, एक यहाँ ट्यूब लगी है, जो कि ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ट्यूब रोटेट कर रही है, और उसके साथ यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है. ये हमारा मैनोमीटर लगा हुआ है. ठीक है, मतलब एक मैनोमीटर है, दो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के साथ हमने मैनोमीटर को अटैच किया है. ठीक है, तो ये हमारी जो दो ट्यूब्स क्यों लगी हैं, एक ट्यूब हमें जो एक साइड लिम्प है, वो सिर्फ हमें लिम्प जो है हमारा, वो सिर्फ मेज़र करती है हमारा प्रेशर हेड. ठीक है, वो सिर्फ हमें प्रेशर हेड का बताएगी, बट जो दूसरी साइड लगी है वो हमारी है लिम्प, जो है मेज़र करता है प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड. ठीक है, ये हमें प्रेशर भी बताएगा और वेलोसिटी हेड भी बताएगा. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे दोनों हम कैसे पता कर सकते हैं. ये हमारी दूसरी जो हमारी लेफ्ट साइड पे लिम्प है, वो हमारी प्रेशर एंड एज वेल एज वेलोसिटी हेड पता करने के काम आ रही है, और दूसरी जो है हमारी लिम्प जो है वो प्रेशर हेड पता करने के काम आ रहा है. तो अब मैनोमीटर क्या काम कर रहा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख के आना. ठीक है, वैसे मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे भी कि प्रेशर डिफरेंस पता करने के लिए हम मैनोमीटर को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम हम पढ़ते आ रहे थे कि इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड हमारा डिक्रीज होता है. ठीक है, पढ़ते आ रहे थे हम, तो रिस्पांस तो कम ही देते हैं बच्चे. कमेंट में रिस्पांस दिया करो. ठीक है, मुझे भी पता चले कौन कौन वीडियो देख रहा है. ट्यूब एट राइट एंगल टू द फ्लो मेजर द प्रेशर हेड ऑनली. अब प्रेशर हेड मैंने जैसे आपको बताया, जो ट्यूब है हमारी राइट साइड पे, ये वाली साइड पे, वो सिर्फ हमें प्रेशर हेड का बता रही है. अब ट्यूब जो है हमारी हमारी अपस्ट्रीम साइड पे है, यहाँ पे ये वाली साइड पे, तो ये हमें प्रेशर भी बता रही है, प्रेशर हेड भी बता रही है, और वेलोसिटी हेड भी बता रही है. और जो डिफरेंस आएगा इन दोनों की मतलब रीडिंग में, वो इंडिकेट करेगा हमारा वेलोसिटी हेड. ठीक है, वो हमारा वेलोसिटी हेड जो है वो इंडिकेट करेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बर्नौली थ्योरम से. अब बर्नौली थ्योरम जो है हमारी, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम हम पढ़ते पहले स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बर्नौली थ्योरम का. तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारी वेलोसिटी, जहाँ जहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होती है वहाँ वहाँ प्रेशर हेड क्या होता है, डिक्रीज होता है. या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जहाँ प्रेशर हेड हमारा डिक्रीज हो रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे थे. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम यहाँ पे वेलोसिटी हेड जो है हमारा, उसके फ्लूड का जो है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन निकाले, तो हमारी इक्वेशन ये वाली बनती है डेल्टा एच पी. डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हाइट. एच पी क्या है हमारा, जो पिटेड ट्यूब का है. ठीक है, इक्वल टू आ रहा है हमारा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी. अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम ये कैसे आ गया,
मैं पहले आपको क्लियर कर ही दूँ। यहाँ पे क्या है हमारा, जब हवा में कोई चीज़ जाती है तो सबसे मेन हमारी काइनेटिक एनर्जी लगती है, ठीक है, मूवमेंट जहाँ पे होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम वी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, जो हमने बर्नौली थ्योरम में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, इसको मास को कितना ले रहे थे, हम वेट बाय ग्रेविटी के साथ कर रहे थे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के इसको हमने वन माना था, अगर आपको नहीं क्लियर तो वहाँ जाके एक बार फिर चेक करना। तो यहाँ से वहाँ से हमने फॉर्मूला उठाया, वी को हम यू स्क्वायर लिख रहे थे क्योंकि वेलोसिटी से डिनोट कर रहे हैं, तो उसको हम यू स्क्वायर से अपॉन हमारा हाफ की जगह पे हमारा टू वन बाई टू आ जाएगा, और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला वहीं से उठाया है मैंने, नया कोई ड्राइव नहीं किया, वहाँ से ही फॉर्मूला उठाया है। ये हमने डेल्टा एच पी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन हेड फ्रॉम हमारे मैनोमीटर से जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, हाइट का जो मतलब चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, पीटर ट्यूब का, तो हम यहाँ पे पी स्मॉल लगा दिया यहाँ पे। अब रीडिंग जो है हमारी आर, जो मैनोमीटर पे आर की रीडिंग जो है उसके साथ हम मेज़र कर लेंगे हमारा वेलोसिटी हेड जो है मीटर्स में। अब आर की वैल्यू कहाँ है, ये मैंने छोटी सी यहाँ पे बनाई हुई है, ये वाली यो वैल्यू बनाई हुई है, इतना डिफरेंस जो है, जैसे ये हमारा मैनोमीटर होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो इसके इक्वल इतना आता है, तो इतना डिस्टेंस हमने पढ़ा भी था पहले भी, आर होता है, ठीक है, वही डिस्टेंस हम यहाँ पे भी शो कर रहे हैं कि वही हमारी रीडिंग होगी जहाँ से हम मेज़र कर लेंगे अपना वेलोसिटी हेड मीटर्स में, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है इसकी, कंस्ट्रक्शन में क्या लगा हुआ है इसमें, इसको हम इंसर्शन मीटर भी बोलते हैं, इंसर्ट करने वाला मीटर, इंसर्ट करके बनाते हैं ना ये, मतलब इंसर्ट ही किया जाता है, इसलिए इसको इंसर्शन मीटर भी बोला जाता है। ये साइज है इसका सेंसिंग एलिमेंट का, वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कंपेरिजन, कंपेयर करें हम साइज़ ऑफ फ्लो चैनल से, तो वो ये इसका सेंसिंग एलिमेंट का साइज़ जो स्मॉल होता है, ठीक है। इसका जो पॉइंट है हम मेजरमेंट का, वो हमेशा सेंटर ऑफ द चैनल ही रखते हैं, सेंटर में ही रखते हैं, और दो ट्यूब्स जो हैं उसको कनेक्ट किया है, जिसके साथ तो हमने अटैच किया है अपना मैनोमीटर जो कि हमारा प्रेशर डिफरेंस और बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये थ्री कॉमन याद रखनी है, हमारा एक राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे एक ट्यूब लगी है, और ये हमारे लेफ्ट साइड पे एक ट्यूब लगी है, उन दोनों से हमने मैनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी वर्किंग, तो बर्नौली थ्योरम, अब वेलोसिटी हेड जो है हमारी, अब वहाँ प्रेशर हेड की बात करते थे ना, अब वेलोसिटी हेड की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हेड की बात हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड ऑफ लिक्विड मे ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन, जो सिमिलर है हमारी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आई थी वहाँ पे। अब यहाँ भी बच्चे थोड़े कन्फ्यूज होंगे कि मैम वहाँ तो हमारा इधर साइड पर रूट लगा था, तो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दोनों साइड पर, यहाँ पे तो नहीं ना लगा था, वहाँ यू यू का अंडर रूट से कट गया था ना, तो वहाँ यहाँ तो इधर साइड तो नहीं स्क्वायर लगा था, यही स्क्वायर था एक, तो हमने दोनों साइड पे हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, पुट अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसको भी हम एज्यूम ही करेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा और यू के साथ हमारा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, कोई आसमान से नहीं आया है, यहीं से आया है। तो ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज़ द थ्रेटिकल वेलोसिटी, तो ये थ्रेटिकल वेलोसिटी है, ये थ्योरी के लिए यूज़ होती है, बट इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है हमारी, वो हमारी नीचे जो इसका फॉर्मूला लगाया है उसके साथ काउंट की जा सकती है, ये वाली। अब इसमें क्या चेंज आ रहा है, आप देख पा रहे हो हमने कोफिशेंट जो है हमारा सी वी से डिनोट किया है यहाँ पे, ठीक है। पीटर ट्यूब का जो कोफिशेंट है उसको हमने, कोफिशेंट ऑफ पीटर ट्यूब को हमने सी वी से डिनोट किया है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और हमने यू स्केयर का है, ये वाला स्केयर का हमने अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला यू उठा के इसकी वैल्यू यहाँ लगाई है, और वो वैल्यू जो हम यू की वैल्यू पुट करते थे वही हमने वैल्यू लगाई है, ठीक है, वो सिमिलर वैल्यू लगाई है, वहाँ से पीछे से ही उठाई है।
ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैं बार बार बोल रही हूँ। जहाँ पे हमने स्केयर दोनों साइड पे लगा के स्केयर को हमने कट कर दिया, इस इधर वाले स्केयर को कट कर दिया और ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू हमने जब उसमें कॉफिशेंट ऐड किया था, वो वैल्यू उठाई है हमने, कॉफिशेंट ऐड किया था तो ये वैल्यू आई थी हमारी सिमिलर टू दिस वैल्यू, और ये यू स्केयर हम यहीं से उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, और कहीं से नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एडवांटेजेस पीटर ट्यूब जो है हमारी मेजर करती है वेलोसिटी एट वन पॉइंट ओनली, तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक पॉइंट पे पता चल जाती है, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पता चलेगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हेड जो है उसका कहाँ चेंज आ रहा है। अगर हमें वेलोसिटी नहीं पता चलेगी तो हमारा जो फ्लाइट होगी वो तो मतलब कहीं भी जाके कर जाएगी खराबी। तो उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, जो पीटर ट्यूब होती हैं ज़्यादा डिस्टरबेंस करती हैं ये, क्योंकि इसमें एडिज होते हैं ना, तो वो जो रीडिंग लेने टाइम पे डिस्टरबेंस होती है उनकी उसके साथ है। तो सेकेंड बात ये है कि ये हमारी एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दे सकती। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि यहाँ पे हमें जो हमारी थ्रेटिकल वैल्यू है वहाँ से तो हमें पता नहीं चल रही इसकी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, है ना, क्वेश्चन बनता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैलिब्रेटेड चार्ट रेडी करते हैं। कैलिब्रेटेड चार्ट कैसे रेडी करते हैं, हम अपने हिसाब से पीटर ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं पाइप में, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी पता चलती है वहाँ से हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड बात है, जहाँ इसका एंड पॉइंट जो है हमारे, मतलब क्रॉस सेक्शन में जो एंड पॉइंट है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो क्रॉस सेक्शन में, वहाँ पे हम पीटर ट्यूब लगा के एडजस्ट करके, खुद एडजस्ट करके वहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, बट एक्चुअल प्रोसेस यही है हमारा, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी बताएगा। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, मतलब अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, जो पाइप के क्रॉस सेक्शन में हो रही है, जा रही है, वही हमारी जो है एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक्स एंड कमेंट आपके बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।